अभी बटवा बटवा दो एक बार बोल हमें लगता है प्रेस नोट तैयार नहीं होगा। हाँ प्रेस नोट तैयार नहीं होगा, 10 मिनट बाद फिर बात बटवा देंगे। शुरुआत करवा तो सीधे शुरू किया सीधे शुरू। आप सभी मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरी आप सभी से समय समय पर ऐसी मुलाकातें होती थी। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नई सरकार में जल शक्ति विभाग के मंत्री के तौर में आपके सामने प्रस्तुत हूं। मेरे दोनों सहयोगी मंत्री श्री रामकृष्ण निषाद जी श्री दिनेश खटीक जी भी आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। आप सभी उनसे भी अच्छी तरह परिचित हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में सेवा सुशासन और जन कल्याण के लिए समर्पित योगी सरकार के 100 दिन की कार्य योजना के लक्ष्य को जल शक्ति विभाग ने 100% पूरा करने का सतत प्रयास किया है और हम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हुए। साथियों 19 मार्च 2017 को जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रथम बार शपथ ली तब सरकार का लक्ष्य स्पष्ट था। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी सरकार जी ने यह तय किया था कि हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और उनके मूल मंत्र समयबद्धता पारदर्शिता ईमानदारी गुणवत्ता पर विशेष फोकस करते हुए उत्तम प्रदेश का निर्माण करेंगे। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम 5 वर्ष रहे हैं। हमने निरंतर गरीब दलित शोषित वंचित पिछड़ों के लिए काम किया है। हमने गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान आदिवासी वनवासी गिरवासी बंटांगिया मुसहर युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर काम किया है। योगी सरकार ने जाति धर्म को किनारे रखकर काम किया है। भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार की राजनीति से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है। परिणाम यह रहा है कि विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधने की बेकाम कोशिशें साजिशों और अनगिनत सियासी षड्यंत्रों के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार को प्रदेश के प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। वो जो खुली आंखों में सूबे का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे उनके ख्वाब धूल में मिल गए। और तो और हाल ही में लोकसभा उपचुनाव में अपना आजमगढ़ और आजमगढ़ का
आजम का गढ़ रामपुर दोनों हाथ से गवा दिए और जनता जनार्दन ने 100 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा उपहार मोदी योगी सरकार को दिया है और जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद मिला है मोदी योगी जी को। साथियों, हाल में जो विधान परिषद के चुनाव हुए, लोकसभा उपचुनाव के चुनाव हुए, उन्हें साफ कर दिया है कि 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 80 की 80 लोक सीटों पर कमल खिलाने वाले हैं। 25 मार्च 2022 को योगी सरकार ने पुनः शपथ ली और 37 साल बाद किसी सरकार को यूपी के लोगों ने फिर से आशीर्वाद दिया है। हम जानते हैं कि मोदी जी योगी जी से उत्तर प्रदेश की ढेरों उम्मीदें हैं। हमें उम्मीदों के अग्निपथ पर चलना है। हमें शुरुआती 100 दिनों का लक्ष्य तय किया है और ये इरादा भी स्पष्ट था कि हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करेंगे। साथियों, योगी 2 में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस। आज उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल है। अब ईद हो या दिवाली, सभी त्योहारों पर खुशियों की खिलखिलाहट सुनाई देती है, ना कि दंगों की चीखें। आज यहाँ निवेश के लिए एक स्वच्छ सुरक्षित वातावरण बना है। इन्हीं 100 दिनों में संपन्न ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आप सभी ने प्रतिभाग किया है। इस सेरेमनी में 80,000 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य भी पूरा हो चुका है। जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। जेवर अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर काम जारी है। हाल ही में जर्मनी में G7 सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री उत्पाद के वैश्विक नेताओं को भेंट दिए। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। यह उत्तर प्रदेश आज डबल इंजन की सरकार, पहले से भी डबल रफ्तार के साथ 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। कामों का एक लंबा जखीरा है और उन कामों से आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति वाकिफ है। आज मैं आपके सामने जल शक्ति विभाग के शक्तिशाली 100 दिनों की रिपोर्ट लेकर आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमूल्य मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में पवित्र गंगा एवं अन्य नदियां साफ और सुरक्षित रहे। बारिश में बाढ़ के चलते धन जिंदगी की हानि न हो पाए। प्रदेश में कोई प्यासा न रहे, हर खेत को पानी पहुंचे, इस पर केंद्रित कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है। जल से जल के साथ साथ हर गांव तक रोजगार पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। कर इन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है। साथियों, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग जल्द ही 600 जूनियर इंजीनियर की भर्ती करने जा रहा है। यह भर्तियां संविदा के आधार पर होंगी और पूर्ण रूप से पारदर्शी होंगी। इस महीने विभाग भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित हर घर नल योजना में हम पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के तकरीबन 7,57,000 लोगों को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने जा रहे हैं। प्लम्बर, फिटर, ऑपरेटर, केयर टेकर, सिक्योरिटी गार्ड जैसे पदों पर यह प्रशिक्षण होगा। विभाग के पास अभ्यर्थियों का डेटा तैयार है। यह प्रशिक्षण जो पूरी तरह सरकार के खर्चे पर होगा। योगी जी सरकार बड़ी संख्या में महिलाओं को सक्षम बनाने जा रही है, जो परिवार के आय में सहभागिता निभाएगी। साथियों, लगभग 5 लाख महिलाओं को पानी की जांच करने के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। इनमें से तकरीबन 1 लाख महिलाएं प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और इन हरेक जांच के लिए सरकार द्वारा 20 रुपये दिए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा 1 लाख से अधिक सैंपलों की जांच पूरी की है। योगी सरकार ने पुनः शपथ लेने के 100 दिनों के अंदर प्रदेश के 574 गांव में पाइप पेयजल योजना पूरी करने का काम, इनमें बुंदेलखंड बिंद की 64 पेयजल योजनाएं भी शामिल है। इस योजना से 3,76,000 घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। ऐसे इलाकों में जहां पीने के पानी की क्वालिटी ठीक नहीं थी, वहां जल जीवन मिशन
के तहत 165 पाइप पेयजल योजना को पूरा किया जा चुका है। इन योजनाओं को पूरे होने से 1,58,000 से अधिक घरों में साफ और शुद्ध पानी पहुंचा है। जल जीवन मिशन के तहत 210 रेट्रोफिटिंग योजनाओं को पूरा कर 95,000 घरों तक साफ पानी पहुंचाया जा चुका है। आप सभी जानते हैं कि सुबह का विंध्य और बुंदेलखंड ऐसा इलाका है जहां जल का संकट 2014 से पूर्व काफी अधिक रहता था। प्रदेश के इन इलाकों में जहां पीने का पानी अमृत सरीखा है और वहां योगी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, ऐसे इलाकों में 64 पाइप पेयजल योजना से कुल 51,000 पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। यह क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में है, हम तेजी से काम कर रहे हैं। इन क्षेत्रों को छोड़कर 66 जनपद बचते हैं, वहां फेज टू के तहत 135 पाइप पेयजल योजना 72,000 पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। इसी तरह सरकार ने 100 दिनों में कुल 3,76,000 घरों में पाइप पेयजलों के जरिए साफ पानी मुहैया कराया है। सरकार के प्रदेश के 66 जिलों में 14,453 गांव में पाइप वाटर स्कीम कार्य प्रारंभ किया है। इन गांव में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से कुल 49,67,000 घरों में गृह संयोजन प्रदान किए जाएंगे। बुंदेलखंड में 63 योजनाओं का काम पूरा किया गया है। इन 100 दिनों में हमारा लक्ष्य 50,000 घरों में पानी कनेक्शन देने का था, लेकिन अपने निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा 66,000 से अधिक घरों को हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दे चुके हैं। इनमें से 33,000 से ज्यादा घरों में पानी की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है, बाकी घरों में जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू होने जा रही है। हमने लक्ष्य तय किया था कि हम दिसंबर 2022 तक 100% घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य करेंगे। बुंदेलखंड के लगभग 11,95,265 घरों में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में झांसी, ललितपुर, जालौन, अपना चित्रकूट, बांदा, महोबा विभागीय योजनाओं पर युद्ध स्तर से काम किया जा रहा है। बुंदेलखंड में कुल 32 परियोजनाएं के अंतर्गत चल रही हैं, 467 परियोजनाओं पर काम जारी है। इस क्षेत्र में 42 इंटेक, 42 WTP, 351 CWR, 1,258 OSTS पर काम चल रहा है। बुंदेलखंड में चल रही परियोजनाओं में प्लम्बर, टेक्नीशियन, गार्ड, इलेक्ट्रीशियन आदि के पदों पर तकरीबन 2,448 लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। परियोजना में अब तक बुंदेलखंड में अप्रत्यक्ष रूप से 2,85,00,000 मानव दिवस रोजगार सृजित किए जा रहा है। इन योजनाओं से कुल 2,608 ग्राम पंचायतों और 3,823 राजस्व ग्राम को लाभ मिलने जा रहा है। बुंदेलखंड के कुल 72,68,705 आबादी को पाइप पेयजल योजना का फायदा मिलने जा रहा है। विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर सोनभद्र में युद्ध स्तर पर काम जारी है। विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र के कुल 17 परियोजनाओं के अंतर्गत चल रही 162 योजनाओं का काम तीव्र गति से जारी है। परियोजनाओं के तहत 21 इंटेक वेल, 21 WTP और 123 CWR और 394 OSTS पर काम चल रहा है। योजनाओं का फायदा कुल 1,236 ग्राम पंचायत को मिलने जा रहा है। योजनाओं से कुल 2,961 राजस्व ग्राम लाभान्वित होने जा रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में दिसंबर 2022 तक 6,50,000 से अधिक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विंध्य क्षेत्र के कुल 40,00,000 से अधिक आबादी को पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल मिलेगा और पाइप पेयजल योजना में भारी संख्या में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित हो रहे हैं। मिर्जापुर में 243, सोनभद्र में 168, पलम्बर, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन के पदों पर रोजगार दिया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से 1,33,00,000 से अधिक मानव दिवस सृजन कर रोजगार दिए जा चुके हैं। मिर्जापुर में 52,00,000 से अधिक और सोनभद्र में करीब 80,00,000 से अधिक मजदूर श्रमिकों
को परियोजनाओं से रोजगार मिला है। प्रदेश के 33,16,717 आबादी को हर घर नल योजना को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रदेश में 24,28,326 घरों में पानी के कनेक्शन अब तक दिए गए हैं। रेट्रोफिटिंग योजना से 4,140 गांव में 3,688 गांव जोड़े गए हैं। यहां 17.5% घरों में नल जल से पहुंचा रहा है, साथ ही 51% से अधिक आबादी लाभान्वित हो रहा है। यहां पर चल रही स्कीमों से 2,846 गांवों को जोड़ा गया है। प्रदेश में PWS स्कीम से 4,821 गांवों में 100% नल कनेक्शन दिए गए हैं। जायका सहायक सीवरेज योजना के अंतर्गत वाराणसी में 75 किलोमीटर लंबी शाही नाले की सिल्ट सफाई लाइनिंग कर जीर्णोद्धार का कार्य पूरा किया गया है। जो ये अंग्रेजों बहुत पुराना नाला था, अब जाकर कंप्लीट हुआ है। कानपुर नगर में पनकी में INDSTP योजना के कार्यों में 30 MLD क्षमता के नए STP का निर्माण कार्य कराया गया है। मथुरा नगर में INDSTP योजना के कार्यों में ट्रांस यमुना क्षेत्र में 14.5 और 16 MLD क्षमता के 2 STP के रिनोवेशन का काम पूरा कर सीवरेज शोधन का कार्य किया जा रहा है। यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए 20 नालों को टेप किया गया है। मसानी क्षेत्र में 30 MLD क्षमता के नए STP का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। जौनपुर नगर में INDSTP कार्यों की योजना में 30, बागपत में 14 MLD क्षमता के नए STP का कार्य पूरा किया गया है। मिर्जापुर, गाजीपुर, फरुखाबाद, फतेहगढ़ और बरेली में 34 नालों को टेप कर 146 MLD क्षमता के 10 STP निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम में रफ्तार पकड़ी है। 100 दिनों में गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ताबड़तोड़ नई परियोजना को विभाग ने जमीन पर उतारा है। भूगर्भ पहले सरकारों ने इसके बारे में विचार ही नहीं करती थी, भूगर्भ के बारे में न सोचती थी, न समय था। नेशनल हाइड्रो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय केंद्र सरकार मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत 50 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्ड की स्थापना की गई है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत व लक्षित 50 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 85 में वाटर सिक्योरिटी प्लान गठित किया गया है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 46,172 उथले नलकूपों का निर्माण कार्य हुआ है। बाढ़ के क्षेत्र में पहले सरकारों ने गंभीरता नहीं लेते थे, बाढ़ के समय में काम होता था। आज योगी सरकार के नेतृत्व में जो योजनाएं हमारी सितंबर जुलाई में पूर्ण होनी थी, वह अधिकारियों के परिश्रम से, लोगों के परिश्रम से बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 62 परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया है। लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी, शारदा नदी का कटान रोकने के लिए सीतापुर में स्टैंड निर्माण हुआ है। साथ ही बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, श्रावस्ती, गाजीपुर में कटाव निरोधक कार्य परियोजना तेजी से पूरी की गई है। सिंचाई विभाग अपना सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग वर्तमान सरकार के 100 दिनों में पूरी की गई परियोजना जो लक्ष्य लिया था, झांसी के बबीना ब्लॉक में 15 गांव में सिंचाई की सुविधा परियोजना की लोकार्पण के लिए तैयार है। 4,400 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई है और 5,240 किसानों को इससे लाभ मिलने वाला है। कानपुर देहात में उमराहट पंप नहर परियोजना के दूसरे चरण का काम भी लोकार्पण के लिए तैयार है। योजना से 19,630 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई है और 1,97,000 किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, देवीपाटन मंडलों के 135 नलकूपों तथा कानपुर, झांसी, बांदा के मंडलों के 104 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण हुआ है।
गाजीपुर में अमोरा पंप नहर का आधुनिकीकरण हुआ है और 3044 हेक्टर सिंचन क्षमता से 2395 कृषक लाभान्वित हुए हैं। रायबरेली के खंडी कार्यशाला का आधुनिकीकरण हुआ है। अर्जुन सहायक परियोजना में महोबा हमीरपुर जनपद में 28 गुलाबों पर गुल माइक्रो इरीगेशन निर्माण कर 3000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का की जाएगी। आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सभी से एक विनम्र आग्रह भी करूंगा, आप अपने स्तर पर अपने माध्यम से जन जन को जल का महत्व समझाएं, इसके बचाव हेतु उन्हें जागरूक करें। हमारी आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त जल देकर जाना हम सभी का दायित्व है। साथियों, हमारी सरकार ने 100 दिनों में परिश्रम और समर्पण के साथ जनता जनार्दन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए काम किया है। सरकार आगामी 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का देश का नंबर एक राज्य बनाने में सफल होगी। इसी संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी जो मैं आया था लगभग 1000 प्रतिदिन रेशियो था, एक मिनट, अभी जाकर मैं 10000 पर पहुंचा है। इसको 20000 लक्ष्य लिया हूं जो 100 दिन का, तो उसमें 10000 घरों तक मतलब इसको हमें पूरा करना और इसी महीने पूरा हो जाएगा और इसको स्पीड पकड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे मंत्री आगे एक जिला का लिख कर दे दो ना, दे दो एक जिला का। तुम्हें क्या है, बैठे अधिकारी, एक बना अधिकारी बता देगा ना। सिंचाई, लघु सिंचाई, देवेंद्र जी इनको एक जिला का बता दीजिए तो, लखनऊ जिले का, लखनऊ जिले में। आप एक मिनट, आप देखिए बैठ जाइए, आप ये नोट कर लीजिए और ईमानदारी के साथ नोट कर लीजिए। आपको सिंचाई विभाग में बोलकर जा रहा हूं, नियुक्तियां हो चाहे पोस्टिंग हो, 1 रुपया का भ्रष्टाचार आपको कहीं मिल जाएगा, आप मेरे को बता देना। अब इस विभाग में पहले भी नहीं था योगी सरकार आने के बाद, आज भी नहीं होगा, और जो नीचे तक है वो व्यवस्थित रूप से होगा, इसके निश्चिंत रहिए। और जो 100 दिन का लक्ष्य है हम लोग निर्धारित किए थे, वो हम लोग लक्ष्य पूरा किए हैं, वो स्पष्ट हम बताए। आपको लगता है कोई शंका, आप लिख कर हमें दे दीजिए, वह शंका अधिकारी के साथ बैठकर आपकी शंका दूर की जाएगी।